चिदंबरम जी जो जांच में तो बोलते नहीं या क्या बोलते हैं हमें पता नहीं, लेकिन अभी अर्थव्यवस्था पर और आज की स्थिति पर उन्होंने 10 बिंदु उठाए हैं। हम बिंदुवार उसका जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे आरोप तथ्यहीन और गैर जिम्मेवार आरोप उन्होंने किए हैं। उन्होंने विकास दर पर मुद्दा उठाया, जबकि आज दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था कोई है तो भारत है, और इस टीमआई का तो रिजल्ट जो है वो 7.7 है विकास की दर, जो वो छोड़ के गए थे 14 में उससे भी ज्यादा आज विकास दर कर दिया है। और जब विश्व भर में अलग स्थिति थी तब भी ग्रोथ का पैटर्न हमारा कायम रहा, और हर वर्ष में दुनिया की पिछले 4 साल सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है। और मुझे आश्चर्य हुआ उन्होंने इन्फ्लेशन की बात की। कांग्रेस का रिकॉर्ड हमेशा रहा है कि विकास दर कम, महंगाई का दर ज्यादा। हमने उल्टा कर दिखाया, विकास दर बढ़ा, महंगाई घटी। महंगाई की दर पिछले 4 साल में 2.5%, 3%, 4% इससे आगे नहीं गई है। यह सबसे बड़ी विशेषता है। और जिन्होंने 10% से नीचे कभी भी महंगाई की दर नहीं आई वो वित्त मंत्री हमें पूछ रहे महंगाई पर, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। और जब महंगाई की बात आई तब प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन जी, उन्होंने कहा था पेड़ पर पैसे नहीं उगते, ऐसा जनता का अपमानित करने वाला बयान दिया था, और आज वो हमें महंगाई पर पाठ पढ़ा रहे। उन्होंने कहा बैंकों में एनपीए बढ़ गए हैं, अरे ये तो आपका पाप है, या आपका पाप है, क्योंकि 20,000 का एसेट होने वाली कंपनी को 57,000 करोड़ रुपए का कर्जा देना ये यूपीए का कमाल है। और एक नहीं हजारों उदाहरण है, जो आज एनपीए हम निकाल रहे हैं और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, ये सारे यूपीए का किया कराया काम है, ये यूपीए का पाप है। और कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए कि एनपीएस बैंकों को लूटा किसने, बैंकों को उनके जमाने में लूटा गया और उसमें बड़े बड़ों का आशीर्वाद था। फूड सिक्योरिटी पर वो बोले, मुझे तो आश्चर्य हुआ। फूड सिक्योरिटी कार्यक्रम आज पूरे भारतवर्ष में 70% जनता से ज्यादा लोगों को ये फूड सिक्योरिटी, 2 रुपए किलो में गेहूं, 3 रुपए किलो में चावल मिलता है। पिछले साल जब मैं मणिपुर गया था तब मैं लोगों से बात कर रहा था, और आम सड़क पर लोग जो जा रहे थे उनसे बात करते समय सब कहने लगे कि हमें मोदी जी ने चावल सस्ता किया। तो पहले मुझे भी संदर्भ नहीं हुआ कि क्या बात कर रहे हैं, चावल कैसे सस्ता हुआ। तो मुझे बाद में ध्यान में आया कि फूड सिक्योरिटी की घोषणा तो की यूपीए सरकार ने, लेकिन लागू नहीं किया था पूरे देश में, वो मोदी सरकार ने किया। और इसलिए फूड सिक्योरिटी तो हमने लाई। उन्होंने कहा है कि गरीब को आज कोई इंश्योरेंस सोशल सिक्योरिटी नहीं है, यह भी ऐसा ही मिथ्या आरोप है। अरे भाई, 12 करोड़ लोगों ने 12 रुपए देकर अगर अपने बीमा उतारा है तो ये सबसे बड़ा दुनिया का सिक्योरिटी कवर है। 12 करोड़ पीपल 12 रुपए इतने कम कीमत में उनको 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है, ये बहुत बड़ी देन है। और उसके साथ साथ 5 करोड़ लोगों ने 330 रुपए का जीवन बीमा लिया है। तो सुरक्षा तो मोदी सरकार ने दी,
इनको तो अधर में लटका दिया था। गरीब के नाम पे राष्ट्रीयकरण जरूर बैंकों का हुआ, लेकिन गरीब का खाता नहीं खुला। 31 करोड़ गरीबों के खाते मोदी जी ने खुलवाए, बाकी किसी ने नहीं खुलवाए। तो ये हमने करके दिखाया, इंक्लूसिव। आज उन्होंने एक और मुद्दा निकाला कि तेल की कीमतें बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही थी तो रोज आंदोलन कर रहे थे, पिछले 12 दिन से कम हो रही है तब आप चुप है, और फिर भी उल्टा बोल रहे हैं। दुनिया के बाजार के तरह हमारे भाव कम ज्यादा होते हैं, और इसके लिए एक दीर्घकालीन उपाय के लिए सरकार सोच रही है और गंभीरता से काम कर रही है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार का एक्साइज ड्यूटी लगता है, उसका भी आधा हिस्सा राज्यों को जाता है, तो लीटर का भी हिसाब करेंगे तो बहुत बड़ा होता है। तो ये इसके बारे में एक लंबे अवधि का कोई उपाय भारत सरकार सोच रही है। एमएसपी के बारे में उन्होंने कहा यह चुनावी जुमला है, किसान को अगर देश में नुकसान हुआ है और हजारों किसान आत्महत्या करते हैं वो कांग्रेस के विनाशकारी अर्थनीति का परिणाम है। कांग्रेस के जमाने में ये आत्महत्या करना लोगों ने शुरू कर दिया क्योंकि उनको जीना असंभव हो गया, क्योंकि उसके अधिकार की जो कीमत की लड़ाई थी वो कभी कांग्रेस ने मान्य नहीं की, मंजूर नहीं की। अटल जी के सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन नियुक्त किया था क्योंकि किसान की लड़ाई थी कि मुझे लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए लागत मूल्य के आधार पर, और लाभकारी मूल्य क्या ये तय करने के लिए तय किया था कमिटी। तो उस कमीशन ने रिपोर्ट दिया कॉस्ट प्लस 50%, और कॉस्ट प्लस 50% मैंने 10 साल 2008 से मैं सांसद बना तब से हर सत्र में मैंने सवाल पूछा कांग्रेस से कि क्या स्वामीनाथन कमीशन की यह सिफारिश मंजूर करती है सरकार। उन्होंने साफ हर बार लिख के दिया कि हम ये मांग स्वीकार नहीं करते। अब मोदी सरकार कॉस्ट प्लस 50% दे रही है तो उसे जुमला बताओगे? खरीफ के भाव अभी घोषित होंगे, रबी के भी भाव आएंगे बाद में, तब पता चलेगा कि हम न्याय दे रहे हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। यही मोदी सरकार की विशेषता है, और इसलिए एमएसपी प्लस 50% यह हमारा जुमला नहीं नारा नहीं करने का वादा है, और उसके तरह हम काम कर रहे हैं, ये मुद्दा है, और इसलिए इनकी जलन हो रही है। आखिर में कुछ नहीं मिला मुद्दा तो एक मुद्दा जरूर बोलते हैं कि क्या पकोड़ा बेचना जॉब है? तो मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस वाले चाय वाले की भी एक बार मजाक किया था, उनको भारी भुगतना पड़ा। अब पकोड़े वाले की वो मजाक उड़ा रहे हैं। कोई भी स्वाभिमान से अपनी रोजी रोटी अगर यापन करता है और मेहनत से कमाता है तो उसका अपमान करती है कांग्रेस। मोदी सरकार की व्यवस्था में जॉब सबको मिले, आईटी में भी जॉब्स तैयार हुए, इतने बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी में, मैं बता रहा हूं पिछले 4 साल में 10 लाख से ज्यादा नौकरियां लाई। अभी तक कांग्रेस के 6 राज्य थे, 6 राज्यों ने कहा, एक ने कहा हम 30 लाख जॉब्स क्रिएट किए, एक ने कहा हम 50 लाख क्रिएट किए, एक ने कहा हम 70 लाख क्रिएट किए। अरे तो सभी राज्य मिलके देश होता है ना, तो ये क्या तरीका है? जॉब्स सभी सेक्टर्स में तैयार हुए क्योंकि हमारी ग्रोथ हो रही है, और एग्रीकल्चर ग्रोथ हो रही है, औद्योगिक प्रगति तरक्की हो रही है, और इसलिए जॉब्स आ रहे हैं, और सर्विस सेक्टर इतना बढ़ रहा है तो वो भी जॉब्स दे रहा है। तो इसलिए जॉब्स सभी तरह के बढ़ते हैं। अगर 12 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिले हैं, उसका सर्वे आया है, उसमें 4 करोड़ लोगों के पहली दफा व्यवसाय शुरू हुए हैं, एक्सपांशन
और रिन्यूअल या दूसरे का कर्जा था साहूकार का, वो जोड़ के अब बैंक का लिया, ये नहीं है। 4 करोड़ नए उद्यमी स्थापित हुए हैं, तो 1 या 2 जॉब्स तो वही भी क्रिएट हुए हैं, लेकिन हर गरीब के जॉब्स को कांग्रेस अपमानित करती है, मेहनत करके जीने वालों का अपमान करती है, केवल कमीशन से चलने वाले लोगों का वो पार्टी बन गया है। और इसलिए दलाली करने वाले का भलाई हो और मेहनत करने वाले को वो अपमानित करते हैं, ये कांग्रेस की नीति है। और इसलिए ये बड़ो पूरी तरह से ये निराधार आरोप, इस आरोपों का न पैर न सिर, और इसलिए हम इसको खारिज करते हैं। और अब हम एक सवाल कांग्रेस से भी पूछना चाहते हैं, विपक्षी दलों से भी पूछना चाहते हैं कि ये क्या स्थिति है कि प्रधानमंत्री जी की हत्या करने की साजिश का अगर पत्र मिलता है तो सभी देश ने एक स्वर में उसकी निंदा करनी चाहिए। इस देश ने 2 प्रधानमंत्री खोए, हिंसा के शिकार हुए हैं, और 2 प्रधानमंत्री जिस देश ने खोए हैं, हिंसा के जो शिकार हुए हैं, वो लोग भी संवेदना को नहीं समझते। शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता अगर ये कहेंगे कि ये इसका उपयोग एडवर्टाइजमेंट के लिए है, इसके लिए नहीं बाबा, ये बात सीधी है, कितनी गंभीर है, कैसे मारेंगे, कहां अटैक कर सकते हैं, रोड शो को कैसे टारगेट कर सकते हैं, यानी जिन्होंने चिट्ठी लिखा उन पर सवाल उठाने के बजाय चिट्ठी सामने आई उस पर ही सवाल उठाने लगे, यह संवेदनशीलता की और राजनीति की लोएस्ट पॉइंट है। जबकि प्रधानमंत्री देश की अमानत होती है हर, और हम तो मानते हैं कोई भी विपक्ष के नेता को भी इस तरह का कोई अगर आता है या किसी भी विपक्षी नेता को अगर कोई ऐसा थ्रेट आता है तो सरकार सीरियसली लेती है, क्योंकि हम देश लोकतंत्र है। हिंसा के आधार पर माओवादियों ने आज तक कितने लोगों को मारा है, लिट्टे ने मारा है, दहशतगर्दियों ने मारा है, और ऐसे समय गंभीरता से राजनीति करने के बजाय उसमें भी राजनीति अगर कोई करेगा दलीय, तो यह बहुत ही बुरा है, यह हम जरूर काम करना चाहते हैं। प्रश्न लेने के पूर्व मेरा सादर आग्रह होगा केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री राम कृपाल यादव जी से कि आपको संबोधित करें। सभी को मेरा नमस्कार।